academy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. एक बार देख लेंगे सर लोग ऑडियो इन वीडियो आर क्लियर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यस काफी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर एचपीसी बात करो एचपीसीएल पर बात करो तो फाइनली भैया दिन वो आ गया है कि आज से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देंगे अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास ठीक है इनके साथ से भी आप लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपके पास टाइम है ये ऐसा लोग सभी लोग कैसे हैं सभी लोग सबसे पहले ये बताएंगे मेरे को ठीक है काफी दिनों बाद हो सकता है आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही हो ठीक है कुछ दिनों से आपकी यूट्यूब की क्लासेस बंद चल रही थी प्लस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी स्पेशल क्लास पर मैं कंटिन्यू आ रहा था कैसे है सभी लोग पहले तो ये बताओ बढ़िया शानदार कैसा चल रहा है जीवन पहले तो ये सारे लोग बता देंगे यस कौन कौन आ गया शुभम प्रसाद सुमित अलिता विनोद कुछ स्टूडेंट न्यू भी हैं है ना काफी स्टूडेंट न्यू है सभी लोग बढ़िया शानदार ठीक है चल ओके तो बढ़िया एकदम से सही चल रहा है सब कुछ ठीक है गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आप लोग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आए हुए हैं उनकी भी कर रहे होंगे कुछ बच्चे ठीक है एमटेक करने आईआईटी जा रहे होंगे कुछ लोगों को सीट मिल गई होगी कुछ लोगों को एनआईटी मिल रही होगी कुछ लोग दोबारा रिपीट करने का या सोच रहे होंगे कि कुछ लोग रिपीट कर लें या गुरु ये काफी स्टूडेंट पुराने पुराने आप दिख रहे हैं भाई काफी स्टूडेंट पुराने पुराने स्टूडेंट अपने साथ आ रहे हैं ठीक है काफी लोग प्लस के तो काफी कम ही लोग होंगे जो नॉन प्लस के स्टूडेंट होंगे वो ही ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ क्योंकि प्लस के स्टूडेंट मोस्टली वो होंगे जो थर्ड ईयर के होंगे ठीक है यहाँ पे आपको क्या क्या कंप्लीट रिक्वायरमेंट आज हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे ठीक है पहले मैं आज का जो सेशन रहेगा इसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्योंकि देखो नॉर्मल जो गेट का एग्जाम है वो डिफरेंट है ठीक है एचपीसीएल का एग्जाम हो गया एनआरएल का एग्जाम हो गया सीपीसीएल का एग्जाम हो गया ठीक है आपका या आर सी एफ एल का एग्जाम हो गया कोल इंडिया का पहले एग्जाम होता था इस बार उन्होंने गेट से ले लिया है तो इनके एग्जाम में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है ठीक है गेट का तुरंत दूसरा रूप है और जो अदर गेट के एग्जाम होते हैं बार्क को छोड़ के बार्क का थोड़ा लेवल लगभग गेट से थोड़ा बहुत मैच कर जाता है लेकिन बार्क और गेट को दोनों अलग हटा दो जितने भी अदर्स पीएसयू लेते हैं पहले क्या होता था आपके अभी तो चलो ठीक है गेट से काफी पीएसयू लेने लगे तो आप दो से पहले की बात करें ठीक है आठ नौ ठीक है नौ से पहले की बात करें जितने भी पी होते थे वो सारे अपना कंडक्ट एग्जाम करते थे आप लोग कभी कोई बुक वगैरह लेकर आना तो उसमें लिखा रहता था कि एच पी ने इतने सारे एग्जाम करवाए हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर ये हैं ठीक है डी ने ये करवाए हैं इसरो ने ये करवाए हैं ठीक है पहले बीपीसीएल बहुत अच्छा वैकेंसी लेते था बीपीसीएल के बहुत सारे मिलते थे ठीक है और आपका ओ के ये एग्जाम पैटर्न है अभी भी पेपर सुन के पड़े हुए हैं ठीक है तो आप लोगों को उन सारे पेपर्स का रिव्यू करना है जो पुराने टाइम पे एग्जाम हुआ करते थे किस टाइप के वो पैटर्न आते थे कैसे क्वेश्चंस रहते थे क्योंकि यहां पे सोच अलग है गेट में सोच एप्टीट्यूड की है यहां पे सोच आपकी थ्योरेटिकल है ठीक है एनआरएल का एग्जाम हो गया यहां पे आपसे चाहते हैं कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज कितनी है ठीक है बार्क में दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं आपको थोड़ा एप्टीट्यूड भी लगा देते हैं कुछ सवाल में और कुछ थ्योरेटिकल डिजाइनिंग वाले भी क्वेश्चंस आप लोगों के डाल देते हैं ठीक है लेकिन यस जो अदर पीएस हैं उनका पूरा थॉट प्रोसेस अलग है सिलेक्शन करने का उनका सीन ही अलग है ठीक है क्योंकि आप इंजीनियरिंग डिग्री करके आए हैं आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितना सोच पा रहे हैं लेकिन गेट का गेट का पूरा एप्टीट्यूड आपका जो टेक्निकल सवाल भी होगा उसमें भी एप्टीट्यूड इन्वॉल्व होगा ठीक है तो दोनों के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग में बात करूंगा किन किन सब्जेक्ट पर आपको यहां पे फोकस करना है सो so दैट आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए कर देंगे, सभी लोगों को जितने भी है, पूरी आज कंप्लीट एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है कहां, कहां से आप लोग पढ़ेंगे ठीक है पूरा मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप गेट दो की तैयारी कर रहे हैं या एचपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं कैसे इसको बैलेंस करना है कैसे इसको मैनेज करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है चलो भाई इसके बाद ये न्यू प्लस कोर्स कल मैंने आप लोगों का इस सेशन लिया था ठीक है एक वन डे शिफ्ट हो गया है आपका छे को आना था ये लेकिन अब को आएगा ठीक है आज मेरे मेरे पर से टीम की कॉल आ गई तो आपका जो न्यू बैच लॉन्च होगा जुलाई में वो सेवंथ को हो रहा है है ठीक तो इस वजह से वन डे शिफ्ट कर दिया गया अभी मैं बताता हूं चलो तो मैं यहां से अचीवमेंट की बात करूं तो छोटा मोटा जो भी अचीवमेंट मैंने पाया है वो मैं आप लोगों को तक बता देता हूं फाइव टाइम्स गेट क्वालिफाइड है अपना ठीक है एक्स एक्सपीरियंस इन दी एल बैंगलोर है

सिक्स uh, मंथ का आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे वन मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा नाइन मंथ का ज्वाइन करते हैं तो दो महीने का ठीक है एक साल का लेते हैं तो तीन महीने का यहां पे अठारह एंड चौबीस महीने का लेते हैं मोर देन मतलब एट्टीन ईयर अठारह अठारह महीने से आप ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब यहां पे आपको चार महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा शर्त क्या है शर्त यह कि भैया योर Uh, भी आईकोनिक, आईकोनिक का होना चाहिए. को आइकोनिक लेना है तो आप एम आर हंड्रेड कोड यूज लगा के आप आईकोनिक पर आओ आपको लगता है कि प्लस पर लेना है तो प्लस पे जो फीस आप लोगों को दिखाएगा वही करंट में आप कोड लगा देंगे यहां से टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है चलो भाई इसके बाद आज से कंटिन्यू कर रहा हूं ठीक है आप लोग बोल रहे थे कि सर नहीं ये सर काफी ठीक है ठीक है तो आज इसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दो तो आज से ये कंटिन्यू हो जाएगी ठीक है शाम को आठ बजे आप लोग मिलेंगे ठीक है है आज ये मैं -100, जो माँ बीके दत्ता की सीरीज चल रही है। देखो जो लोग पास आउट स्टूडेंट है जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो लोग करंट टाइम पे तैयारी कर रहे हैं ये सीरीज सबके लिए है क्योंकि ये सीरीज ऐसी है जो आप इनके बीटेक का सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हैं आप ये सीरीज करके आगे तो हो सकता है आप क्लास में टॉप कर जाओ ठीक है इतनी क्वालिटी की ये सीरीज आप लोगों की है तो सारे लोग इसको अटेंड करेंगे रात में आठ बजे ठीक है थीके? चलो भाई इसके बाद डीआरडीओ का फॉर्म आप लोग भर देना ये आपका कोप से रिलेटेड है यहां से चलो मैं बात करना स्टार्ट करता हूं फिर बाद में आप लोगों को बताता रहूंगा चलो भाई यहां से मैं बात करूंगा कंप्लीट गाइडेंस फॉर एचपीसीएल एचपीसीएल 2022 का जो एग्जाम है इसके लिए मैं आप लोगों को यहां पे कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं ठीक है तो भैया इसकी तैयारी कैसे करेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि जो बच्चे हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो फर्स्ट टाइम वाला सेशन देख रहे हो गुड मॉर्निंग अनुराग गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सभी लोगों को फर्स्ट टाइम वाला सेशन देख रहे हो तो हो सकता है उनको अभी यह ना पता हो कि सर कितनी वैकेंसी आई है ठीक है कितने नंबर ऑफ uh, क्या एज मेरी होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में आप लोगों को दे देता हूं कि एक्चुअली ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ठीक है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है सबसे पहले आप लोगों का एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है ठीक है ये ऑफ द जून से ये स्टार्ट हो गया जिन लोगों ने नहीं भरा सबसे पहले जाके एक काम करेंगे ये फॉर्म भर देंगे ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो बाईस जुलाई ठीक है ट्वेंटी टू जुलाई इज द लास्ट डेट तो आप ट्राई करो जल्दी से भर दो सो दैट आपको जो सेंटर मिलेगा वो आपके एरिया का सेंटर मिल जाए अदरवाइज होगा क्या आपको कहीं दूर उठा के डाल दिया तो आप दो दिन सफर ही करते रहो जाएंगे

ठीक है जनरल और जो आपके एस सी एस टी कैटेगरी के, के लिए उनके लिए कोई फीस का चार्ज नहीं है ठीक है तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर दो ठीक है बाईस जुलाई लास्ट डेट है आप ट्राई करो कि भैया एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दो इस हफ्ते में ठीक है चलो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे ठीक है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें सेवन है टोटल वैकेंसी सेवन ठीक है एज लिमिट है, तो है. अभिषेक अभी अभी आप लोग देखो बाईस तारीख तक तो फॉर्म चलेगा ठीक है लगभग आप ट्राई करो कि एक महीने के, के अंदर इसका टेस्ट हो जाना चाहिए ठीक है एक महीने के अंदर इसका टेस्ट हो जाना चाहिए बाईस के बाद आपको लगभग दो वीक के बाद हो सकता है आप लोगों को कॉल लेटर आ जाए ठीक है दो से तीन वीक के बाद हो सकता है आपको कॉल लेटर आ जाए और ये जल्दी प्रोसेस होगा एचपीसीएल वाला क्योंकि उनको डिमांड है अदरवाइज वो रिटर्न से लेते नहीं वो गेट से लेते है। ठीक है उनको डिमांड है तो इसका मतलब जल्दी से ये प्रोसेस होगा ये डिले नहीं होगा आपका ठीक है एनआरएल का पिछली बार डिले हो गया था ड्यू टू कोविड ठीक है इसरो का डिले हो गया था दो साल ड्यू टू कोविड लेकिन एचपीसीएल का आप डिले नहीं होगा ठीक है अदरवाइज डिले होता तो वो आपका किसी ना किसी दूसरे प्रोसेस से ले लेते गेट से लेते हैं तब भी प्रोसेस काफी डिले कर देते हैं इंटरव्यू दो तीन साल दो तीन महीने तक चलता रहता है ठीक है लेकिन यस इन्होंने अलग से वैकेंसी निकाली है तो वो चाहते हैं जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा आपका खूब मैक्सिमम बता रहा हूं हो सकता है आपको दो वीक के अंदर मिल जाए ठीक है हो सकता है एक वीक के अंदर आप लोगों को मिल जाए लेकिन यस हार्डली एक महीने के अंदर आप लोगों को अपडेट जरूर पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है ठीक है चलो भाई इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं वो सारे बच्चे इसमें सर फीस इतना ज्यादा क्यों है क्या करोगे यार फीस तो ज्यादा रहती है ठीक है बार का भी पाँच सौ रुपए का फॉर्म है ठीक है और इसका ग्यारह सौ रुपए का फॉर्म है ये फीस तो ज्यादा रहती है देखो समटाइम्स कुछ, कुछ पी एस उसकी अलग से एग्जाम जो निकलवाएंगे वो उनकी फीस ज़्यादा रहेगी जो गेट से लेंगे उनकी फीस नहीं रहेगी ठीक है उनकी फीस मिनिमम रहेगी अलग से एग्जाम ले रहे हैं क्योंकि सीवीटी आपसे अलग से कंडक्ट करवाएंगे आपको एक ठीक है एग्जाम देने जाना पड़ेगा तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा अदरवाइज क्या होता है गेट एक एग्जाम हो जाता है तो गेट में क्या होता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं समझ रहे हो ठीक है आप प्लान डिजाइन पढ़ते होगे इकोनॉमिक्स तो उसमें सारे एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे आप एग्जाम देने जाओगे उसका भी खर्चा होगा अलग से सीबीटी हो रहा है ना इस वजह से इसका फीस ज्यादा है अदरवाइज ये गेट के माध्यम से ले, ले लेता तो फिर उतना फीस नहीं होता क्योंकि एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा उसका चार्जेस फिर नहीं लेता क्योंकि वो गेट में आप ऑलरेडी पंद्रह सौ रुपए दे चुके हो ठीक है गेट में ऑलरेडी आप पंद्रह सो दे चुके हो तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है फिर वो डायरेक्ट उसी प्रोसेस से ले लेंगे इस वजह से यहाँ पे फीस ज्यादा है ठीक है चलो भाई तो यहां से आप लोग देख लेंगे जिनका पच्चीस साल है सेवन वैकेंसी के लिए करीब दो से तीन के लग जाएगा यस उतना तो लग जाएगा क्या करोगे अभी जब तक जॉब नहीं मिल रही है आप तो दो तो तीन के मेरे ऐसे बहुत साथ, सारे साथी लोग हैं जो फ्लाइट से जाया करते थे इसरो का एग्जाम देने पहले होता था तिरवनपुरम ठीक है उनका एक साइड का फ्लाइट का खर्चा होता था लगभग चार से पांच हजार का एक साइड से फ्लाइट का खर्चा होता था चार से पांच हजार का ठीक है और आने जाने का खर्चा और उसमें से भी रिटर्न एग्जाम देने के लिए अदरवाइज ट्रेन से तीन तीन चार चार दिन लग जाएंगे ओके तो ए, क्या करोगे अभी तो तुमको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा जब तक जॉब नहीं मिलती है ये सब मत सोचो ठीक है मैंने भी सब करके बैठा हुआ हूं यस मैं मानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा ठीक है मामला टाइट होता है ठीक है थोड़ा टाइट रहता है लेकिन अभी खर्चा करना पड़ेगा आपको ठीक है ये मत सोचो कि सात वैकेंसी है इनकेस किसी भी तरीके से हो गया ना हमारे एक सीनियर थे तो मैं गुवाहाटी में पढ़ता था आई में हमारे एक्चुअली वो बीटेक के सीनियर थे ठीक है बीटेक के सीनियर थे उन्होंने ही मुझे बताया था कि मनीष तो और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ बहुत परेशान थे गेट में उनका रैंक था तीन सौ फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने, एम -टेक किया था, तब उन्होंने गेट दिया था तो रैंक था उनका तीन सौ के आसपास अगली साल फिर उन्होंने मेहनत करके दिया रैंक हो गया छे सौ अब गेट भी उनका खराब चला गया गेट भी नहीं मिल रहा है एम टेक में प्लेसमेंट नहीं हुआ है yes, में उनका चार पांच जगह से हो गया था आईसी बेंगलोर से हो गया था आईटी मुंबई से भी हो गया था कानपुर से भी हो गया था पीएचडी में उनका हर जगह हो गया था लेकिन उनको मन था कि पीएचडी ना करें उससे पहले हो जाए क्योंकि उन्होंने बीटेक के बाद दो साल का गैप ले रखा था ठीक है फिर जाके एमटेक किया तो उनका प्रेशर यह था कि मैं जॉब करूं और भगवान ने बहुत अच्छा चाह वो एग्जाम देने गए ठीक है उनका इसरो में हो गया करंट टाइम पे इसरो में है कभी आप लोग बोलेंगे तो फिर डेफिनेटली मैं उनके साथ सेशन लूंगा हमारे कॉलेज बीटेक के वो सीनियर थे ठीक है तो पांच वैकेंसी थी इनकेसते कि यार मनीष पांच वैकेंसी है कहां से मैं जाता उन्होंने एग्जाम दिया रिटर्न उनका निकला रिटर्न निकलने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया एमटेक बहुत अच्छे से कर रखा था नाइन प्लस सीजीपी थी प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से काम कर रखा था पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो ठीक है तो उनका आराम से इसरो में हो गया तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है ठीक तो है तो ये मत सोचो कि सात वैकेंसी है तो सर हम एफर्ट डालें कि ना डालें अरे मेरे भाई ठीक है क्षत्रिय का, का काम क्या होता है कि सामने युद्ध की ललकार आए तो उसको युद्ध का सामना करना पड़ेगा सिमिलरली स्टूडेंट का, का काम क्या है इनके के सामने दो वैकेंसी है तो आप उसके लिए फाइट करो ठीक है फाइट करोगे क्या करोगे फाइट आप हथियार डाल दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी इनकेस पांच वैकेंसी भी रहती है तब भी आपका ये आपका यूपी पुलिस का नहीं एग्जाम में पता चला बीस हजार भर्ती निकल आई ठीक है उत्तर प्रदेश ठीक है वो, वो नहीं प्राइमरी में जो मास्टर बनते हैं पता चला सत्तर हजार वैकेंसी निकल आई वो ऐसा नहीं होगा ठीक है आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो वहां पे वैकेंसीज कमी रहेंगी उसके लिए फाइट करो उसके लिए फाइट करो मैंने भी अपनी लाइफ में फाइट की है ठीक है दो दो पीएसयू में मैं भी रहा हूं ठीक है मैंने भी फाइट की है तो आप भी फाइट कर सकते हैं ऐसा नहीं है जीवन में ऐसा नहीं था कि मेरे समय एचपीसीएल में बहुत सारी वैकेंसी थी एच में बहुत सारी वैकेंसी थी वैकेंसी लगभग इतनी रहती है पीएसयू में लेकिन यस आपको फाइट करना पड़ेगा एट द लास्ट ठीक है

वहां पे आपको सोचना पड़ेगा इनके इनकेस आपने पहले से नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आप सोच पा रहे हैं तो सवाल लगा लेंगे लेकिन यस यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड आएगा यहाँ पे आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे जल्दी से कर पाएंगे ठीक है और यहाँ पे भी कैसे सवाल आएंगे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो दो पार्ट आपको चीजें क्लियर हो गई एक नंबर ऑफ वैकेंसी दूसरा कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या है दूसरी इंपॉर्टेंट बात सिलेबस क्या रहने वाला है ठीक है चलो भाई इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ और चीजें चल रही हैं हाउ टू मैनेज हाउ टू मैनेज सर गेट गेट के लिए हम तैयारी करें या एचपीसीएल के लिए तैयारी करें ये सबसे बड़ा आप लोगों के सामने सवाल उठ रहा होगा तो इसके लिए मैं बात कर दूं दोनों चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी आप गेट को मैक्सिमम टाइम दे सकते हो एचपीसीएल का सिर्फ एक एक दिन में दो घंटे पढ़ लो एक दिन में दो घंटे पढ़ लो आप जो भी प्लस की क्लासेस लाइव कर रहे हो उसको एच डी चलने रहने दो ठीक है पता चला जो आपका मेन गेम है उसको आप अच्छे से चलाते चले जाओ ये आपका साइड स्ट्रीम है ठीक है ये समझो दिस इज द योर मेन स्ट्रीम

से रिलेटेड एक से दो घंटे दे सकते हो इसको आप से से घंटे आराम दो फाइव टू सिक्स करो क्योंकि छह घंटे लेकिन मैं आपको बताऊंगा इनके सिलेक्शन लेना है एचपीसीएल में तो टेक्निकल से ज्यादा एप्टीट्यूड पर काम करो क्योंकि जो टेक्निकल वाला पार्ट आएगा वो बहुत आएगा बहुत इजी आएगा लगभग आठ से दस क्वेश्चन ऐसे होंगे दिखाऊंगा कल से मैं क्वेश्चन आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा ठीक है आप काम करना स्टार्ट कर दो एप्टीट्यूड पर सारे लोग जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है रीजनिंग वाला पार्ट है ठीक है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उस पर काम कर दो आपको सिलेक्शन लेना है एचपीसीएल में तो क्योंकि जो टेक्निकल वाला पार्ट होगा आप ये बताओ सिंपल आ गया रिफ्लेक्स रेशियो इज एल ठीक है आपको ये बताना है टोटल रिफ्लेक्स रेशियो ठीक है मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो इस पे सवाल आएंगे नंबर ऑफ प्लेटें किस में ज्यादा होंगी किस में कम होंगी ये तो सबको ही कर देगा जाके सवाल ये हर कोई कर देगा जो भी एग्जाम देने जा रहा है जिसने भी बीटेक पढ़ा है लेकिन जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट आएगा जिसमें उसने गेम कर दिया वो समझ लो इन्हें ठीक है सिलेक्शन उसी का होगा जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छे से गेम कर गया क्योंकि यहां वाला पार्ट लगभग सारे बच्चे कर, कर देंगे तो ट्राई करो आप जो भी एक से दो घंटे टाइम दे रहे हो उसमें लगभग थर्टी मिनट डेडिकेट करो आप एप्टी के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है ठीक है इसके लिए थर्टी मिनट जरूर आप डेडिकेटेड करो ठीक है ये सब गेटिव थॉट मत लेकर आओ जिंदगी झंड हो गई है बर्बाद हो गए ये सब हो गए ये सब नहीं करना है ठीक ये ये है इंजीनियर यार तुमको तो आखिरी सांस तक लड़ना आना चाहिए अभी तुम्हारी गेट गेट इज नॉट आपको मैं क्या बताऊं तुम्हारा नहीं हो, हो गया इनकेस पी एस में नहीं हुआ तो जिंदगी झंड हो गई क्या अरे भाई तुम और कुछ काम करो एम चाय वाला का नाम सुना है एम चाय वाले का नाम सुना है तुम चाय बेचो ठीक है आज आज तुमसे बड़े बड़े लोग इवन सीएम तक लोग मिलेंगे आके तुमको ठीक है तुम ये क्यों सोच रहे हो कि सर मैं सिर्फ गेट के गेट इज वन प्रोसेस ठीक है टू अचीव समथिंग फास्ट ठीक है एक वो है कोई जरूरी नहीं है कि आप गेट में अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हो पाया पीएसयू में अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हो पाया मैं आईआईटी से मैंने एमटेक किया हुआ है और मैं आईआईटी से एमटेक ना करता तब भी मैं टीचिंग करता जो आपका प्रोफेशन है वो काम करो तुम ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट बात है कोई जरूरी नहीं है ये सब निगेटिव थॉट मत बोला करो ठीक है जिंदगी झंड हो गई ये सब हो गया ये सब नहीं ठीक है गुड थॉट प्रोसेस रखो जैसा सोचोगे जैसा बोलोगे वैसा ही आपके अंदर चीजें चलेंगी अब जहां पे तुमने बोला जिंदगी झंड हो गई है ऑटोमेटिकली तुम झंड हो जाओगे ठीक है जहां से तुमने बोला नहीं सर अभी मेरे अंदर पोटेंशियल है आई कैन डू ठीक है मैं सर एंड तक लड़ूंगा इनके साथ ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हो तो आपका माइंड उस तरीके से सोचेगा ठीक है तो बी पॉजिटिव ऑलवेज ठीक है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको गेट भी करना है ये भी करना है लोग तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह साल तक मेहनत करते हैं ठीक है चलो भाई इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा नाउ रिक्वायर्ड सिलेबस फॉर एचपीसीएल ठीक है डेडिकेटेड मैं सिलेबस आपको बताता हूं आपको करना क्या है ठीक है मैं आपको एक यहां पे पैटर्न एक दिखाता हूं सबसे पहले बात को समझना सबसे पहले बात को समझना ठीक है मैं बुक्स वगैरह भी बताऊंगा आप लोगों को और रिक्वायर्ड सिलेबस सबसे पहले एक जो मैं इंपॉर्टेंट एक मैं आपको पीडीएफ देता हूं ठीक है एक मैं आपको पीडीएफ देता हूं इससे आप रिलेट कर पाएंगे एचपीसीएल के एग्जाम को ये मैं पीडीएफ हालांकि आप लोगों तक शेयर भी कर दूंगा जो मैं पीडीएफ यहां पे ओपन करने जा रहा हूं ये शेयर भी मैं आप लोगों को तक कर दूंगा ये आप लोगों को पीडीएफ दिख रही है क्या सारे लोगों को पहले ये बताओ या तो मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दू या तो बताओ मैं ब्राइटनेस कम कर दू ये सारे लोगों को पीडीएफ दिख रही है क्या ये पीडीएफ दिख रही है क्या सारे लोग देखो या मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दू अभी मैं बताता हूँ सारा कुछ मैं बता दूंगा नो वरी आज का सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कल से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा पहले ये देखेंगे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं कर रहा है अदरवाइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं होपफुली फुली अब आप लोगों को दिख रहा होगा ठीक है अब आप लोगों को देखो ये पीडीएफ दिख रही होगी शायद ठीक है दिख रही है क्या देखिए सारे लोग एक बार एक बार सारे लोग देख लेंगे ये हल्का हल्का दिख रहा है थोड़ा कम कर दो ये दिख रही है क्या पीडीएफ आप लोगों को हाँ मैंने कम कर दी है अब देखो चलेगा क्या अब दिख रही है क्या ये पीडीएफ का पर्पज ये है कि आपको जस्ट रिलेट करना है कि आपके पीएसयूस के जो एग्जाम होते हैं नाउ विजल जो पीएसयूस के एग्जाम होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है यहां पर आप देख रहे हो गए दस दीडीएफ फॉर एनआरआई ये आप लोग देख कर पा रहे होगे ये आपकी एनआरएल की पीडीएफ है ये मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा हालांकि मैं ये सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ये है न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल एनआरएल ये भी एक पीएसयू है ठीक है जिनको ना पता हो एनआरएल भी एक पीएसयू है ये भी एक अलग से एग्जाम करवाता है होपफुली इस बार भी नोटिफिकेशन निकल के आ जाए ये 2021 की पीडीएफ है जो 2021 में पेपर हुआ था जो 2021 में पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ है इससे एक आपका चलेगा कि सर किस लेवल के आएंगे आपको करने पड़ेंगे ठीक है जैसे आप देख पा रहे हो सिंपल सिंपल ठीक है इंथेपी वगैरह आपको छोटा छोटा मोटा मोटा दिया गया आप एक मिनट में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्टिंग जिप्सम

मतलब आज मेरा आप लोगों को पॉइंट ये ये कि 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 बताने का, कि बताने का का पॉइंट आपको एक लग जाएगा प्रिपेयर करना कैसे है है प्रिपेयर करना कैसे ये मैं पीडीएफ बता देता रिलेटेड तो सवाल, सवाल आ सकते हैं ठीक है सारे लोग अच्छे से केमिकल टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लेंगे पार्ट, उसके सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं ठीक है रिफाइनरी से रिलेटेड आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलीमर से रिलेटेड आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बी केयरफुल अबाउट दैट ठीक है तो सबसे पहले आप को ये बात आप लोगों लोगों को को यह बात समझ में आ गई कि सर ज्यादा से ज्यादा मेरे को जो फोकस करना है वो केमिकल टेक्नोलॉजी पर फोकस ज्यादा करना है पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनरी क्योंकि ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं इसमें ठीक है पेट्रोकेमिकल वाला भी बच्चा इसमें एलिजिबल है पेट्रोलियम रिफाइनरी वाला भी एलिजिबल है देख रहे हो

कुछ आपको सियारी -E के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे मोटी मोटी जैसे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कंसंट्रेशन ठीक है टेम्परेचर तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे देखने देखने को एनलिन एंड एन क्लोरोफॉर्म आर सेपरेटेड क्लोरोफार्मेड बाईपरेसन डिस्टिलेशन सब्लिमेशन ठीक है कंडेंसेशन किसके थ्रू इन दोनों कंपोनेंट को, को सेपरेट कर सकते हैं ये चार ऑप्शन है आपके पास ठीक है तो इस टाइप के आपके पास सवाल मिलेंगे कोई बात नहीं है हिंदू कोई बात नहीं है नहीं सिलेक्टेड हुए लेकिन पढ़ाई करते रहो तभी तो हो तो सिलेक्टेड भाई ठीक है ये चीज है आपके पास और देखो ये कुछ आपके मोटे मोटे क्वेश्चंस आपको पूरा पूरा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का उस तरीके से आपके सवाल पूछे जाएंगे ठीक है तो ये मैं सारे क्वेश्चंस कल से मैं स्टार्ट करवा दूंगा ठीक है व्हेन कंपेयरिंग द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पिच सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर लेस सरफेस एरिया कैन बी पैक्ड इन द सेल साइड सेल साइड प्रेशर ड्रॉप विल बी हाईर

क्वाटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छे से कवर करके चले जाना इतना बहुत सफिशियंट है आपके लिए इतना सफिशियंट है ठीक है चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा विच इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ये आपका इसी का क्वेश्चन है गेट का गेट से रिलेटेड सवाल पूछा गया है ठीक है कुछ ये क्वेश्चंस आपके जैसे लेटेंट हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करके करते हैं इसकी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनथेलपी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके भी रिलेटेड आप सवाल पूछ लेना इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनल एनर्जी आपको वर्कडन दिया जाएगा आपको ठीक है एनर्जी कितना ट्रांसफर हो रहा है वो दिया जाएगा ठीक है आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज हो गई है ठीक है ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्लासिकल थर्मोडानेमिक्स से लगभग आप यह बोल सकते हो कि मिनिमम आपका टेक्निकल वाला पार्ट है मिनिमम आपका 50 तो आएगा टेक्निकल वाला पोर्शन मिनिमम तो जैसे एनआरएल का है एनआरएल में क्या है आपका एट्टी परसेंट है टेक्निकल और ट्वेंटी परसेंट है एप्टीट्यूड ठीक है तो मिनिमम आप यह मान के चलो कि यह जो एग्जाम होगा इसमें मिनिमम

केमिकल टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनरी में बता चुका हूं पॉलीमर ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो एचपीसीएल में सवाल आएंगे वो केमिकल टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो केमिकल टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं दूसरे नंबर पर आपको हीट ट्रांसफर ठीक है इसके बाद मैं आपको बता देता हूं ये देखो ये मैं सारे क्वेश्चन कल करवा दूंगा ठीक है ये सारे क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा किस तरीके से आपकी ये चीजें पूछी गई हैं ठीक है तो आपको एक आइडिया लग गया कि सर तैयारी का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए किस तरीके से सर मेरे को तैयारी करना है ठीक है ऑफ द द फॉलोइंग क्वांटिटी क्वांटिटी कौन सी चारों में से है स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक मास ठीक है कौन सी क्वांटिटी इसमें डायमेंशन लेस है कंफ्यूजिंग करने वाला टर्म है ये ठीक है पता है तो बहुत अच्छी बात अदरवाइज कंफ्यूज ये कर सकता है राइट right. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको न्यूमेरिकल बड़े बड़े नहीं लगाने हैं ठीक है ठीके? आप ऐसा ना करना पता चला एकदम से आप कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है डिस्टिलेशन कॉलम में ठीक है स्ट्रिपिंग सेक्शन का स्लोप निकाल रहे हो नहीं नहीं भैया इतने बड़े बड़े सवाल लगाने हैं ठीक है ड्राइंग में पता चला फॉलिंग रेट पीरियड का आप टाइम निकाल दे रहे हो राइट right. तो इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आएंगी इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रेक्शन कैन बी इनक्रीज बाय द रिपीटिंग द एक्सट्रेक्शन विद नो सॉल्वेंट

फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रैक कोपिशंट ये बहुत मतलब प्रचलित चीज है ड्रैक कोफिशेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये सब मैं कल करवा दूंगा ठीक है आप लोगों को कंप्लीट मैं सारे सब्जेक्ट का करवा दूंगा कल आप लोग इसके लिए प्रेजेंट रहे अब मैं आपको बता देता हूं कि सब वो सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं ठीक है ये तो मैं पीडीएफ आप लोगों तक शेयर भी कर दूंगा और आप लोगों को मैं इस सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा ठीक है चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूं सर अब मेरे को एक्चुअली फोकस किस पर करना है उसकी मैं बात करूं ठीक है तो मेरे को फोकस किस पर करना है उससे रिलेटेड मैं बात करूं यहां पे तो जस्ट एक मिनट जो आपका जो मेन एग्जाम में ठीक है जो सिलेबस आपको तैयार करना है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं एक और पीडीएफ में ओपन करता हूं ठीक है सिलेबस में आपको बता देता हूं सिलेबस कैसे आपको तैयार करना है तो सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस पे करना है केमिकल टेक्नोलॉजी पर ठीक है मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है किस पर केमिकल टेक्नोलॉजी पर ठीक है केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ठीक है देखो अब आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको करना है भैया मेरे केमिकल टेक्नोलॉजी पर जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है दैट इज द केमिकल टेक्नोलॉजी ठीक है जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो आपको केमिकल टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है ये देखो अब सर केमिकल टेक्नोलॉजी में जो कौन कौन सा मैं पार्ट पढ़ूंगा सो so मैं मैक्सिमम चीजें गेन कर पाऊं सबसे जो ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे ठीक है पेट्रोकेमिकल्स इससे रिलेटेड क्योंकि ये भी ब्रांच एलिजिबल है ये भी ब्रांच क्या है एलिजिबल है पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनरिंग ये भी ब्रांच एलिजिबल है ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर करके जाना ठीक है एक एक थ्योरेटिकल पूरा पढ़ के जाना इससे मैं रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाऊंगा ये दो नंबर तीसरा पॉलीमराइजेशन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको जरूर आप करके जाएंगे ठीक है इन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज ये वाला भी पार्ट आप लोग थोड़ा करके चले जाना ठीक है इलास्टोमर ये पॉलीमर polymer, पॉलीमराइजेशन करके चले जाएंगे उसमें आप इनके से ये वाला पार्ट नहीं भी उतना अच्छे से करते हैं ठीक है ये वाला भी पार्ट आप मतलब कंडेंसेशन वाला भी पार्ट आप करते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके जो ज्यादा से ज्यादा सवाल आएंगे वो यहां से आएंगे तो इसका मतलब इस पर आप स्टार पॉइंट बना लो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है जो गेम चेंजिंग टेक्निकल में रहने वाला है वो रहेगा आपका केमिकल टेक्नोलॉजी ठीक है इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप पता तो चला आंख बंद करके यार तैयारी करते चले जा रहे हो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तभी तो मैं कहता हूं कि राइट गाइडेंस थी बहुत इंपॉर्टेंट तो तो right है अदरवाइज पांडव क्या करते पहले दिन हाथ जोड़ लेते भैया भी लोग भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हुए कैसे हम बाण चलाएं हाथ कप रहे थे उन्होंने बोला नहीं ठीक है करना ही है आपको ये तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा कि गेम चलाना कैसे है ठीक है पता चला तो कर्ण आ गया अब कर्ण के पास ऐसी शक्ति थी कि वो पता चला खत्म कर देता काम अब उसको भी क्या प्लानिंग उनके लिए करनी है तो एग्जाम एचपीसीएल का अलग है ठीक है कर्ण के साथ गेम प्लान करना है तो उसके लिए अलग है ठीक है बीस पितामा यानी कि गेट गेट के साथ प्लान करना है तो उनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग है ठीक है तो हर जगह स्ट्रेटजी अलग अलग है पता चला एक ही एकदम से अब जैसे भी, भीम भीम का क्या काम था ताकत दिखाते थे हर जगह जाके गदा ठोक दे तो कृष्ण भगवान उनको बोलते थे नहीं बेटा रुको अभी दिखा देना तुम तागत, अभी तुम ताकत अभी चुपचाप अंदर बैठो चल के ठीक है जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम आना मैदान में पता चला अभी तुम निपट गए जाके ठीक है तुरंत उसने चला दिया तुम निपट गए अंदर और बैठोगे जाके तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको गेम समझना पड़ेगा इनकेस किसी भी गेम को जीतना है तो तो एचपीसीएल ऐसा नहीं है आंख बंद करके भैया पढ़ते चले गए आपको

वो आपको तैयार करना पड़ेगा भैया हीट ट्रांसफर अच्छा जट जी आपका कोई सवाल रह गया है। सर डी टू डी अप्लाई कर सकते हैं ना ये क्या? डी टू डी क्या है भाई ठीक है जो अभी मैं बता दूंगा अभी मैं उसकी भी पीडीएफ यहां पे ओपन कर दूंगा ठीक है कौन कौन बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं सर मैं डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से हूँ सर मैं गे... सर मैं 2022 में एचपीसीएल का पेपर दिया था बट टेक्निकल कुछ डिफिकल्ट आया था सो प्लीज गाइड सर उसी के लिए तो बात चल रही है शिवम उसी के लिए तो बात चल रही है कब कठिन पेपर लगने लगता है जब सवाल थ्योरेटिकल आता है न्यूमेरिकल सवाल कठिन नहीं होता है जो आपको कंफ्यूज करता है ना वो थ्योरेटिकल सवाल करता है जो आपका थ्योरेटिकल सवाल होगा बहुत घुस के पूछ लिया जाएगा ठीक है अब आपसे पूछ लिया जाएगा टाइप्स ऑफ इवोपरेटर कौन सा इवोपरेटर किसके लिए यूज करते हैं ठीक है अब आपने इवोपरेटर में सवाल लगाना पड़ा है अब उसमें टाइप्स नहीं भैया पढ़े हैं हमने ठीक है सवाल वहां पे कठिन हो जाता है आपको सीटी का सवाल ऐसा आ जाएगा जो अता पता नहीं होगा आपको कठिन तब हो जाता है उसमें आप और उस और उस बात क्या होती है आप न्यूमेरिकल सवाल हो सकता है छोड़ दो लेकिन जो थ्योरेटिकल सवाल होता है उसको छोड़ने का मन भी नहीं करता है उसको छोड़ने का मन भी नहीं करता है आपका धीमे से माउस सरक जाएगा और टिक लगा के आ जाओगे और जो टिक लगा के आओगे भाई वही गलत होगा तुम्हारा यह चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है ठीक है सारे एग्जाम तो मैं देकर बैठा हूं मुझे पता है कि जब भी आप थ्योरेटिकल सवाल होगा उसको छोड़ोगे आए नहीं और एक और अच्छी बात आपको मैं बता दू एचपीसीएल में क्या है कि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सारे तो करके आना है ठीक है एचपीसीएल में क्या है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं राइट तो करके तो सारे आना है इंपॉर्टेंट बात होती है कि गलत कब होता है सवाल जब थ्योरेटिकल होता है और थ्योरेटिकल वाला सवाल तुम छोड़ोगे आए नहीं उसमें टिक इतनी जल्दी मार दोगे और वही सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा और जो टिक मार के आओगे वही एट द लास्ट गलत होता है दो चार क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए तो आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट जब आपका स्ट्रांग नहीं होगा देन पेपर आपका डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूं जितने भी ये वाला इनकेस आपको इसको क्रैक करना है तो बात बहुत मेरी ध्यान से समझ लेना थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से कर लेना ठीक है चलो भाई अब मैं आ जाता हूं हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर में जो थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा से ज्यादा बनेंगे ज्यादा से ज्यादा आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड हीट कंडक्शन से रिलेटेड तो बनेंगे कंडक्टिविटी ठीक है कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ ठीक है लिक्विड में कैसे कैसे वैरी वैरी करती करती है है इसके लिए कैसे करती है? आपका लॉ पे हो सकता है एक छोटा मोटा सवाल आपका पूछ लें यहां से सवाल पूछा जा सकता है ठीक है बाउंड्री लेयर प्रेंटल नंबर क्या है नसट नंबर क्या है ठीक है सीयरबूट नंबर क्या है ये नंबर वगैरह से आपसे ट्रांसफर में या मास ट्रांसफर से रिलेट करके आपसे पूछ सकते हैं ठीक है हीट ट्रांसफर कोबिशेंट न्यूटन द कूलिंग हीट ट्रांसफर कोबिशियंट किन का किन का फंक्शन होता है ठीक है हीट एक्सचेंजर में आपसे कुछ सवाल बना के हो सकता है एक छोटा एल एम टी डी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए पूछ लें यहाँ से आपका सवाल आ सकता है ठीक है कंडेंसेशन इवोप्रेशन से भी सवाल पूछ सकते हैं इकोनॉमी क्या होता है ठीक है स्टीम कैपेसिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपसे हो सकता है पूछ लें कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके पूछ लें फीड फॉरवर्ड आपका ज्यादा इफेक्टिव होता है फीड बैकवर्ड ज्यादा इफेक्टिव होता है इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है अंदर का प्रेशर कितना मैक्सिमम रख सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल सवाल ठीक है आपसे इसमें एक और चीज इसमें एक चार्ट है ठीक है एक चार्ट है कौन सा चार्ट है इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है इवोपरेटर में यूज होता है ठीक है इवोपरेटर में एक चार्ट यूज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन को निकालने के लिए पॉइंट एलिवेशन निकालने के लिए किसी को याद है कि चार्ट एक चार्ट होता है, में होता है, को करके देता है। hmm, किसी को याद हो तो यहां पे कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है उससे सवाल पूछा जा सकता है ठीक है डिजाइन ऑफ द डबल पाइप ठीक है आपसे क्रॉस फ्लो हो रहा है काउंटर फ्लो हो रहा है वहां से आपसे पूछा जा सकता है सेल एंड ट्यूब में जैसा मैंने बताया कि ट्राइंगलर पिच यूज कर रहे हो स्क्वायर पिच यूज कर रहे हो कौन सी बेनिफिशियल है ठीक है ठंडा फ्लूड डाल रहे हो तो किस साइड डालोगे ट्यूब साइड डालोगे या अं... अ... अ... सेल साइड डालोगे एक ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ठीक है आपका बिस्कस फ्लूड है किस साइड डालोगे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कोई टेम्परेचर हाई कोई फ्लूड है कोई यस ड्यूरिंग लॉ ड्यूरिंग लॉ यस ठीक है ड्यूरिंग लॉ आपसे पूछा जाता है ठीक है और आपका इनके कुरोसिव फूड है तो वो सेल साइड डालेंगे या ट्यूब साइड डालेंगे ऐसे सवाल आपसे थ्योरेटिकल यहां से पूछे जा सकते हैं ओके गॉट इट तो आपको पैटर्न पता चल गया किस टाइप को आपको पढ़ाई करनी है कैसे आपको चीजें सोचनी है इसके लिए दूसरा आपका सव, आपका क्वेश्चन आ सकता है जो दूसरे नंबर पर आपका सव, सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है दैट इज द फ्रॉम मास ट्रांसफर ठीक है मास ट्रांसफर से तीसरे नंबर पर आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने को मिल सकते हैं ठीक है मास ट्रांसफर से ठीक है

ठीक है मास ट्रांसफर थ्योरी से तो एक सवाल जरूर आएगा ठीक है फिल्म थ्योरी के पे हो सकता है ठीक कौन -कौन है सर लोग समझ रहे हो सर लोग समझ रहे हो ना क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ठीक है एनोलॉजी से सवाल पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है ठीक है आपका पैकलेट uh, नंबर क्या होता है ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं राइट एच टी एन टी का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि एच ट्यू जैसे मैंने मास ट्रांसफर मैंने इंक्रीज कर दिया तो एच टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है मैंने ड्राइविंग फोर्स को एबजॉपन फैक्टर को घटा बढ़ा रहा हूं तो NTV पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऐसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं ओके नाउ नाउ अब यहां से मैं बात करूं डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन से सवाल दो से तीन आपको मिलेंगे टू टू थ्री क्वेश्चंस आपको डिस्टिलेशन से देखने को मिलेंगे जैसे रिफ्लेक्स रेशियो को कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लेटेस हमारे टॉप सेक्शन में और स्टिपिंग सेक्शन में कैसे शिफ्ट हो रही है फीड की क्वालिटी से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं Q है तो फीड कौन तो किस टाइप की फीड होगी इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है नहीं नहीं गैप मैटर तब नहीं करेगा तब आप अच्छा परफॉर्म कर देंगे अच्छा परफॉर्म करके दो कोई भी गैप मैटर नहीं करता गैप हर हर किसी का होता है लगभग ठीक है चलो तो ये चीज है ह्यूमिडिटी ड्राइंग से आपका सवाल आ सकता है एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे चूज करते हैं कि सॉल्वेंट आपका वेटर कब होता है ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इक्लेरियम ट्रैंगल से रिलेटेड आपके तो सवाल पूछे जा सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने तो इक्लेवरियम कर्व कैसे श्रिंक और कंप्रेस हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है ह्यूमिडिफिकेशन से रिलेटेड जैसे मैं बात करूं ड्यू पॉइंट से रिलेटेड ठीक है पार्सियल ड्यू पॉइंट हो गया आपका या

तैयारी करो अच्छे से सब्जेक्ट तैयार करो ठीक है आपका समय आएगा तब आप बैटिंग करना ठीक है मौका सबको मिलता है यहां पे मौका सबको मिलेगा राइट right. मौका सबको मिलेगा नो वरी चलो फाइन ठीक है तो सारे लोगों को बात आ रही है ना समझ में यस और नो यार भाई थोड़ा बहुत कमेंट अमेंट करके बताते चले जाओ मोटा मोटा आपको आइडिया लग रहा है कि एक्चुअली आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए तैयारी करते समय ठीक है सबसे पहले मैं सेशन पहला इसी वजह से ये वाला ले रहा हूं कि आपको मैं इतना बता पाऊं कि भैया आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयार करना कैसे है है सब्जेक्ट ठीक है? किसी एग्जाम को क्रैक करना कैसे है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज आपको मैं यहाँ पे खड़े होकर पचास क्वेश्चन लगवा दूंगा कोई मतलब नहीं है उसका ठीक है मतलब आपको वहां पर कैसे आप दिन में तैयारी कर रहे हो जब आप खाली समय में रह रहे हो आपका गेम वैसे चेंज होगा तो आपको वो पता होना चाहिए कि गेम आपको चलाना कैसे एचपीसीएल के लिए सर यस सर मैं तो एम आर हंड्रेड फैमिली का मेंबर हूं बहुत बढ़िया सिक्स सेमेस्टर में हो वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया ठीक है थीके? तो अभी तैयारी करो अभी तुम तैयारी करो चपक के ऐसा भी एग्जाम हो सब निकलो एक टाइम ऐसा आएगा आपके सारे एग्जाम निकलेंगे एक टाइम ऐसा आएगा इनके साथ आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली ना हो सकता है आपके शुरुआत में एक दो साल कोई भी एग्जाम ना निकले लेकिन आप कंटिन्यू रहे ना तो एक टाइम के बाद सारे एग्जाम निकलते हैं मैंने ये लिटरली फील करके देखा है ठीक है बस कमी कहाँ पे रह जाती है कि सर हम अभी वो अप टू मार्क तैयारी नहीं है आपका बार्क भी निकलता है आपके पी भी निकलते हैं गेट में भी होता है एमटेक में भी होता है हर जगह होता है ठीक है बस कमी कहाँ पे रह जाती है तैयारी करने की टाइम लग जाता है टाइम लग जाता है एक दो साल का लेकिन यस आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली फिर सारे एग्जाम निकलते हैं बिलीव मी सीटी के लिए सर बता दो सीटी के लिए मैंने बता तो दिया है सीटी के लिए मैंने बता तो दिया है सबसे पहले मैंने सीटी के लिए बताया सर कट ऑफ कितना रहता है ठीक है अभी तो एग्जाम दो कट ऑफ की तो बात की बात की है पहले प्रोसेस को फॉलो करो रिजल्ट पे तो बाद में जाएंगे ठीक है पहले तैयार तो कर लो अच्छे से अच्छे से तैयार कर लो मैक्सिमम ट्राई करो मैक्सिमम ट्राई करो है ना चलो इसके बाद मैं आपको बात करूं इसके बाद आपका जो सवाल पूछा जा सकता है वो आपका आ सकता है एफएम से किधर गया एफ एम माथ ट्रांसफर के बाद जो सवाल आपका आ सकता है मैकेनिक्स किधर गया फ्ल्यूड मैकेनिक प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडाइनमिक्स फ्लूड मैकेनिकल दूसरे नंबर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है एफ एम का ठीक है आपके न्यूटोनियन फ्ल्यूड नॉन न्यूट्रीनियन थिको ट्रॉपिको ट्रॉपिक ये सब आपको पता होना चाहिए यहां से एक सवाल आपका बन सकता है ठीक है ये वाला पार्ट यहां से फ्लूड यहां से न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन से पूछा जाएगा ठीक है आपका बर्नौली इक्वेशंस के अजम्पशन आप लोगों को पता होना चाहिए एसपीडीसी पे बाद में आएंगे पहले पहले मैं बता देता हूं ठीक ठीक है है किन किन के ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे थीके? बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशंस वगैरह क्या होते हैं ठीक है वो आपसे सवाल पूछा जा सकता है ठीक है फ्रिक्शन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं चार्ट कौन कौन से होते हैं वो आपके सवाल पूछा जा सकता है जैसा ड्रैग कोफिशिएंट हो गया उससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे गए हैं ठीक है पाइप में जब फ्लो होता है ठीक है सीरीज में कर दें पैरल में कर दें तो प्रेशर ड्रॉप किस में ज्यादा होगा हेड लॉस किस में ज्यादा होगा इस टाइप के आपके थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है चलो इसके बाद आपके यहां पर नंबर से आपके सवाल आएंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी से सवाल आएंगे प्रेंटर नंबर का 100 एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ठीक है प्रेंटल नंबर का हंड्रेड एक से दो सवाल आपका पूछा जाएगा तो प्रेंटल नंबर को बिल्कुल पढ़ के जाएंगे ठीक है और आपका यस फ्लूडाइजेशन से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जा सकता है ठीक है टर्बुलेंट फ्लो ये ये यस इसका मैकेनिकल ऑपरेशन वाला भी पार्ट आ गया साइज रिडक्शन ये लॉ किस लॉ किसके लिए यूज करते हैं तब एक बड़ा सा पार्टिकल होता है एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है तो कौन सा लॉ प्रेफर करते हैं ठीक है वर्क इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है ठीक है आपका स्टोक्स लॉ का रीजन में रिलॉन्ड नंबर की क्या रेंज होती है जब भी ट्रबुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो की बात करेंगे तो जो डायामी होता है वो ब्लॉस्टी के साथ कैसे चेंज होता है ठीक तो है, के है? जरूर पढ़ के जाना ये सवाल आपका यहां से आएगा ठीक है यस मिक्सिंग से रिलेटेड भी आपके सवाल थ्योरेटिकल यहां पर बनते हैं ठीक है थ्यूरेटिकल सवाल बनते हैं कि आपका बिल्कुल बहुत ही पार्टिकल को जो सेपरेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रेसिपिटेटर है ठीक है ऐसे कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं उनको अच्छे से कवर कवर करके चले जाना वहां से आपका सवाल पूछा जाएगा ठीक है सेपरेशन जैसे साइक्लोन सेपरेटर का भी यूज करते हैं ठीक है प्रेसिपिटेटर का भी यूज करते हैं ठीक है यस ये एक और आपका होता है डिकेंटर का भी यूज करते हैं इनके आपको फंक्शन पता होना चाहिए ये आपके जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं कब कब यूज करते हैं यहां से आपका रेंज पूछा जाता है सर मैं बीई पास आउट हूं जॉब भी नहीं मिली गेट भी खराब हो गया अभी अ, अभी डबल से प्रिपरेशन करता हूं यस yes, प्रिपरेशन करो देखो जब तक जॉब जब तक चीजें खराब होती चली जा रही है कोई बात नहीं भैया होंगी खराब खराब होंगी ठीक है क्योंकि हमारा बीटेक उतने अच्छे से नहीं है आपका बीटेक आईआईटी एनआईटी से होता तब तो आपकी चीजें नहीं खराब होती आपका बीटेक नॉर्मल कॉलेज से जहां पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता है ठीक है उस कॉलेज से हमने सर बीटेक कर रखा है हमारी चीजें भी एक दो साल ट्रेन हमको लाइन में आने में के लिए टाइम लगेगा ठीक है आपका इनकेस बीटेक टॉप कॉलेजेस से है तब चांसेस कम है खराब होने के एचवी से हो गया ट्रिपल एम गोरखपुर से हो गया ठीक है आपका एनआईटी से बीटेक हो गया आई से बीटेक हो गया तब चीजें की पॉसिबिलिटी कम है खराब होने की बीटेक सर हमारा ऐसे कॉलेज से है जहां पे मुझे सी और पी में डिफरेंस नहीं पता होता है फीड क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेचुरेटेड लिक्विड के लिए क्यू की वैल्यू कितनी होती है ये तक नहीं पता होता है हमको बीटेक में और बीटेक सर पास आउट कर लेते हैं तो चीजें खराब क्यों नहीं होंगी खराब होंगी इसका मतलब अभी अप टू मार्क आपको तैयारी करनी है अप टू लेवल की आपको तैयारी करनी है इस चीज को समझो ठीक है तो अभी दो तीन साल लगेंगे मेरे भाई आपको तैयारी करने में टाइम लगेगा आप एक बार चीजें अच्छी कर लोगे फिर सब में होगा आप वो लेवल तो पहले लेकर आओ जो एग्जाम को चाहिए ठीक है तो अभी तो चीजें खराब होंगी जाहिर सी बात है क्योंकि हमने सर बीटेक ही ऐसे कॉलेज से कर रखा है जहां पर कुछ करवाया ही नहीं गया है तो कॉमन सेंस की बात है हाँ तो चीजें क्यों नहीं तो वो चीजें कवर करने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा आप चाहोगे कि नहीं सर मैं अभी छह महीने में दो महीने तैयारी करी है पीएसयू में हो जाए कैसे हो जाएगा नहीं होगा जो लोग चार साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को क्या है वो तो तुमसे ऊपर लेवल के है ना तो पहले तुम तो वहां पर आओ तो अपने आप को लेकर और वहां पर आने के लिए टाइम लगेगा इस बात को समझो ठीक है पहले तुम्हें तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी ढंग से आपको चाटना पड़ेगा चीजें लाइन लाइन आपको पता होनी चाहिए इसके लिए आपको टाइम लगेगा भैया आपको सिलेबस नहीं पता होता है गेट की तैयारी कर लेते हैं क्या हो? अब ये नहीं पता होता है कि सर ठीक है इसमें अभी आधे तो गेट की तैयारी कर लेते हैं सिलेबस के अंदर क्या-क्या पार्ट है वो नहीं पता होता है तो वो टाइम लगेगा पहले सिलेबस को समझो क्यों नहीं टाइम लगेगा खुद बताओ आधे लोगों के पास तो सिलेबस ही नहीं होगा जो पढ़ा के चले जाते हैं आंख बंद करके पढ़ लेते हो स्मार्ट हो ही नहीं बात ये सर

इसमें हम कौची भी पढ़ लेते हैं पोलर भी पढ़ लेते हैं दुनिया भर का पढ़ डालते हैं क्यों क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे हो जो अदर ब्रांच का है अदर का है वो तुम्हें तो सब कुछ पढ़ा डालेगा और सिर्फ है कितना मैथमेटिक्स में जब भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ना है मैथमेटिक्स में पढ़ना कितना होता है जेड इज कल टू आर ई टू पावर आई थीटा सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओगे आपका सवाल लग जाएगा इसको ढंग से पढ़ के चले जाना लेकिन सिर्फ इतना है अब उसमें पढ़ तो तुम सब डालते हो क्योंकि पीवाई कर रहे हैं सर पीवाई में भैया पहले वो सिलेबस में था अब अपने आप को अपडेट करो अब वो चीज सिलेबस में नहीं है नहीं सर पीवाई क्यू में कौची रे, रेमन से एक सवाल आया हुआ था ठीक है तो भैया अब नहीं है पार्ट में अब पार्ट में नहीं है ओके पुराने सवाल लगा डाल ले हो ठीक है तो ध्यान रखो क्या क्या अभी सिलेबस में है वो आपको पढ़ना है ठीक है कभी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ डालते हो हीट वेव इक्वेशन नहीं पढ़ते हो हीट वेव इक्वेशन नहीं पढ़ते हो। पढ़ते हो हो लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कोई नहीं पढ़ता है कभी बताओ लाप्लास इक्वेशन आपने पढ़ा है पढ़ा है तो बताओ आपको यही पता है कि ये लाप्लास इक्वेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये पढ़ते नहीं है इसका सवाल आ जाएगा फंस जाओगे ये सिलेबस में है जो सिलेबस में नहीं है वो कभी कभी हम पढ़ डालते हैं जो सिलेबस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग चीज है ठीक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग चीज है लाप्लास इक्वेशन इज डिफरेंट ठीक है ये अलग ही है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है लाप्लास इक्वेशन है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सिलेबस पता होना चाहिए डीप में जाके ठीक है तो बी केयरफुल अबाउट दैट पहले हमको सर सिलेबस को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है ठीक है हालांकि मैं इन चीजों पे ज्यादा डिस्कस करता नहीं हूं क्योंकि मुझे मैं कर लेता हूं कि यू आर इंजीनियर ठीक है आपको सब पता है ओके तो आप लोग ये सारे सिलेबस तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इन दो को पढ़ के जाना तो और फिर तो लगभग ये तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के तो सारा कुछ चले जाओगे ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को तैयार करना है एचपीसीएल एग्जाम के लिए एचपीसीएल एग्जाम के लिए सारे लोगों को बात आ गई समझ में कि सब तैयारी करने का मोड क्या होना चाहिए यस और नो सारे लोग कमेंट सेक्शन में इतना बता देंगे कि सर तैयारी करनी कैसे एचपीसीएल की ओके okay? तो दिस इज द द वे टू टू प्रिपेयर ऑफ एचपीसीएल एग्जाम ठीक है कल से मैं लगभग पचास क्वेश्चन डेली करवा दूंगा ठीक है कल परसों दो तो से तीन दिन में सेशन लूंगा पचास क्वेश्चन डेली करवा दूंगा खत्म कर दूंगा ठीक है और खुद पे आप लोग छोड़ दो खुद मेहनत करो चीजें कैसे करनी है थोड़ा खुद करो ठीक है सब चीजें दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो चीजें खुद भी आप लोग करेंगे तभी आपको आएगा समझ में ओके चीजें खुद करना स्टार्ट करो चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल पे आप खींच ले जाओगे इनके साथ ये भरोसे बैठ गए कि सर ये भी करवा दो ये भी करवा दो वो भी करवा दो तो सिर्फ तुम डिपेंडेंट हो दूसरों पे इसका मतलब जितना उन्होंने करवा दिया है उतना उतना कर लिया अब मान लो वहां से नहीं आया तो सपोज कर तुमने करवा दिया करवा दिया करवा दिया करते रहे और वहां से एक भी सवाल नहीं क्योंकि तुमने अलग से कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि सेल्फ पढ़ने, की ही नहीं है। आपको लेना है, पढ़ने की चलना सीख लो आपको एक डायलॉग पता होना चाहिए चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछा छूटा रही तू चल अकेला ठीक है तो एक आपको सेल्फ चलो ना विवेकानंद आज विवेकानंद नहीं होते उनको क्या थे? आप उनके ये गौतम बुद्ध ठीक है भीड़ में रह रहे थे एकांत में गए तब वो गौतम बुद्ध कहलाए ना आज तो चीजें एकांत में रहो सोचो अपने आप पे काम करो ठीक है और सेल्फ मेहनत करना स्टार्ट कर दो बुक उठाओ अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दो सर बुक समझ में नहीं आती है हम चार बार पढ़ेंगे लेकिन सेल्फ पढ़ोगे चीजें बहुत अच्छे से आप बिल्ड कर पाओगे ठीक है ज्यादा किसी पे ज्यादा डिपेंडेंसी भी ज़्यादा ठीक नहीं है आज के टाइम पे ऑनलाइन का जमाना चल रहा है तो हर एक चीज आप चाहते हो कि ऑनलाइन में मिल जाए आपको फॉर्म कैसे भरें ठीक है ये कैसे करें वो कैसे करें राइट ये चीजें खुद भी करो अपना टाइम सेव करो कम से कम लेक्चर अटेंड करो ठीक है कम से कम चीजें देखो खुद अपने आप को डेवलप करो और अपने आप में उतना सर करूं कि सर कि कुछ चीजें मैं सेल्फ भी कर सकता हूं कोई बात नहीं है सोल्यूशन देख लिया वो सवाल आपके लिए खराब हो चुका है इसका मतलब आपका माइंड नहीं चला है इंपॉर्टेंट बात है आपको किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपके खुद का दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग कभी चला ही नहीं है क्योंकि नए सवाल में कभी सोचे ही नहीं करवा दिया कर लिया तो ये इस चीज पे सारे लोग थोड़ा केयर करेंगे अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो ठीक है यस yes, 2022 पास आउट और एलिजिबल ठीक है आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है उसमें देख लेना जाके एक बार जब फॉर्म भर रहे हो उसमें देख लेना जाके आपका आ रहा है ऑप्शन तो फिर कर देना ठीक है धीरज सर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बुक बता दो आपके पास बुक भी मैं आपको बता देता हूं बुक भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे देखो ठीक है बुक्स भी मैं बता देता हूं कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को इसके लिए पढ़नी है सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बुक पढ़नी है एक बुक आती है राम प्रसाद नाम सुना है आप लोगों ने राम प्रसाद राम प्रसाद नाम को सुना ही होगा नाम सुना है आप लोगों ने यह बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है इसको सारे लोग एक ले लेंगे दूसरा आपके पास एम सुबू की बुक है और अच्छी बात है सुबह में जितना थ्योरेटिकल वाला पार्ट है रीड करना है, वाला जो जो लिख है. क्योंकि पूरी तो थ्योरी आप पढ़ोगे नहीं बोर हो जाओगे तो आपको एक हाईलाइट पॉइंट्स पता होने चाहिए उनके जो थ्योरी वाला पार्ट है सवाल लगाओ चाहे ना लगाओ लेकिन उसकी थ्योरी जरूर पढ़ना क्योंकि सवाल हो सकता है ना आए जैसा आप सवाल पढ़ रहे हो ठीक है लगा लिया बहुत अच्छी बात है वन वन मार्क्स के

ये नहीं है सर हमारे पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर एक बार मांग लेना ओ पी गुप्ता ठीक है कर लेना ओ पी गुप्ता लेकिन ओ पी गुप्ता में यार एक हजार क्वेश्चन दिए हैं बोर हो जाओगे करते करते ठीक है इससे चाहे थ्योरी पढ़ लो तो वो दस सवाल जो आएंगे उस थ्योरी से आपका अच्छा बन जाएगा कितने सवाल भी लगाओगे सवाल की कमी नहीं है सवाल की कमी है नहीं ओपी गुप्ता कितने पढ़ोगे सवाल ओ पी गुप्ता से एक काम कर सकते हो केमिकल टेक्नोलॉजी के पढ़ लेना सी और एच टी टी ये तीन सब्जेक्ट पढ़ लो ठीक है ओपी गुप्ता से बहुत सवाल हैं ओपी गुप्ता में बहुत सवाल हैं कितने सवाल भी करोगे ठीक है ओपी गुप्ता में ये ये तीन सवाल सवाल सीटी पढ़ के चले जाना ठीक है बहुत हैं उसमें ओके तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए इस तरीके से आपको लोगों को तैयार करना है अपना सब्जेक्ट सर लोगों को बात आ गई समझ में ठीक है और लगभग लग मैं दो सौ क्वेश्चन के आसपास मैं करवा दूंगा नो वरी ठीक है दो सौ से तीन सौ क्वेश्चन आप लोग सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे कल से मैं सेशन ले लूँ कल से मैं सेशन लगा दूँ कुछ क्वेश्चन का आप लोग प्रेजेंट रहेंगे यस और नो बताओ भैया कल से मैं इस इसमें सेशन ले लूं तो आप लोग प्रेजेंट रहेंगे सारे लोग चार पांच सेशन में लगा के खत्म करूं इसमें बोलो सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे इसी टाइम पर टाइम यही रहेगा रहे आपका टाइम चेंज नहीं होगा लगभग 200 से 300 क्वेश्चन कराने का मेरा प्लान है 200 से 300 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आप लोगों को ठीक है सारे लोग लेकिन प्रेजेंट रहना ठीक है सारे लोग प्रेजेंट रहना रहे तीन सौ क्वेश्चन इनकी पीडीएफ भी आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा ठीक है इनकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा राइट ठीक है इसी टाइम पे रहेगा आपका इलेवन एएम इलेवन ए एम पर रहेगा सर लोग प्रेजेंट रहे तीन सौ क्वेश्चन में करवा दूंगा एक आपको आइडिया लग जाएगा एक अच्छा खासा कि आपको करना कैसे है एग्जाम में ठीक है चलो फिर तो ये था भैया आज का सेशन होप्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सर एक्चुअली एग्जाम के साथ बैटिंग करनी कैसी है सारे लोगों को आज का सेशन में समझ में आ गया कि स्ट्रेटजी क्या अपनानी है कैसे तैयार करना है यस और नो ठीक है तो फिर मैं अब सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा आज मुझे जस्ट आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन देना था इससे रिलेटेड ठीक है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है ठीक है चलो फिर शाम को मिलेंगे अब शाम को मिलेंगे ठीक है और कल ये वाला सेशन चलो फिर मैं रख देता हूं कल ये सेशन रखूंगा इसी टाइम पे कल सेशन रख दूंगा इसी टाइम पे सारे लोग मिलना ओके चलो ठीक अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं तो गेट के साथ मैनेज करते रहो एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो बच्चे अभी प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट मैं नया लॉन्च कर रहा हूं प्लस पर कौन सा दैट इज द सॉल्यूशन जिसकी डेट डेट आपकी चेंज हो गई है है ये आपका रहेगा ऑफ जुलाई ठीक वन डे एक दिन शिफ्ट हो गया है सेवेंथ जुलाई ठीक है मतलब परस, कल नहीं परसों से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो सारे लोग जितने भी लोग प्लस पर जो लोग भी आना चाहते हैं उनका वेलकम कोड यूज कर लेना कोड यूज कर लेना है एम आर हंड आर हंड फैमिली का यहाँ से आप लोग पार्ट बन जाओगे ठीक है किस तरीके से आपको लेकर चलना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है तो आप कोड यूज कर लेना है पे आ जाओ सोलूशन थर्मोडा जब फॉर्म में पूरा कंप्लीट थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे करवाऊंगा आपको ठीक है गेट की तो तैयारी आपकी मैंने बोला ना मेन स्ट्रीम आपका गेट होना चाहिए मेन स्ट्रीम आपका गेट होना चाहिए साइड स्ट्रीम इज द एचपीसीएल एग्जाम ठीक है साइड स्ट्रीम ये है ठीक तो आप यहां से ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी मूव कर जाएंगे ठीक है तो दोनों पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है तो पहले ये आपका थर्टी डेज का प्लान है और नेक्स्ट थर्टी डेज का ये प्लान है ठीक है तीस दीस दिन में दोनों में कवर करूंगा ठीक है तो ये वाला प्लान आप लोगों के लिए रेडी है ओके लॉन्च हो चुका है जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है वो लोग जाके इनरोल कर सकते हैं टाइमिंग है शाम को चार बजे टाइमिंग है शाम को चार बजे ओके चलो भाई ये आज आपको शाम की सीरीज होगी जितने भी बच्चे गेट के लिए सीरी सीरियस हैं वो सारे लोग इस सेशन को करो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है अपने ग्रुप पर प्लेलिस्ट इसकी अवेलेबल है सारे लोग करो ठीक है इसके एट सेशन कंप्लीट हो चुके हैं आज नाइंथ इसका पार्ट आएगा 51 से स्टार्ट करेंगे आज आपके एक्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे ह्यूमिडिफिकेशन के सवाल होंगे ठीक है यहां पे मैं 50 क्वेश्चन लूंगा शाम को 8:00 बजे मिलना

ठीक है जस्ट अब आपको तैयारी करनी है कोई सिंगल डाउट नहीं बचा होगा ये सेशन कंप्लीट है आपका एचपीसीएल के लिए ठीक है कैसे तैयार करना है कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है गेट के साथ कैसे मैनेज करना है एज क्या है फीस कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट सेशन में आपको इंफॉर्मेशन दे दी हूं ठीक है चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा प्लस और आइकोनिक के लिए जो भी बच्चे प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं अभी ठीक है

ठीक है हर एक स्टूडेंट डेडिकेटेड होना चाहिए हर एक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होना चाहिए हर एक स्टूडेंट का गोल निश्चित होना चाहिए ठीक है एम आर हंड्रेड फैमिली हर एक स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूं ये ओके okay, प्रॉपर तरीके से दोनों लोग मिलके आप अपना एफर्ट डालो मेरा गाइडेंस रहेगा ठीक है गजब फॉर्म में आउटपुट आप लोगों को मिलेगा ठीक चलो भाई इसके बाद जिसमें बात करता हूं प्लस और आइकोनिक के लिए फीचर्स हैं आप लोग जैसा भी आप जिस कंडीशन में है आप आइकोनिक अफोर्ड कर पाते हैं आइकोनिक अफोर्ड कर लो प्लस अफोर्ड कर पाते हैं प्लस अफोर्ड कर लो ठीक है अलग अलग से यहां पे फीचर्स हैं इसके आप लोगों को बता दिया हूं फीस स्ट्रक्चर की मैं बात कर लू करंट टाइम पे आइकोनिक पे ऑफर है इनके साथ आइकोनिक ज्वाइन करते हैं तो चार महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा एटीन और ट्वेंटी मंथ के लिए ठीक है सिक्स मंथ पर एक महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है नाइन मंथ्स पर दो महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है ठीक है तो आप लोगों को लगता है कि प्लस ज्वाइन करना है या इकोनिक ज्वाइन करना है आप लोग आ सकते हो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे नौ महीने की कितनी है पैंतीस हजार ठीक है यहाँ पे आप कोड यूज कर लेना है एम आर हंड्रेड यहाँ पे करंट में जितने ऑफर चल रहे होंगे सब आपके एलिजिबल हो जाएंगे ठीक है एम आर हंड्रेड जितने भी ऑफर चल रहे होंगे सारे एलिजिबल हो जाओगे आप लोग कोड यूज कर लेना है एम आर हंड्रेड आपको जो भी जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है उतना डिस्काउंट मिलेगा जितने भी और भी ऑफर चल रहे होंगे सारे लोग लग जाएंगे आपके पास कुछ क्वाइंस वगैरह है उनको भी यूज कर लेना ठीक है चलो फिर इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा प्लस और आइकोनिक के तो फीचर्स जब भी आइकोनिक पर आते हैं तो आपको ये फीचर्स मिलते हैं यहां पे आपको टॉप एजुकेटर दोनों जगह मिलेंगे ठीक है कंप्लीट सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का करवाया कर जाएगा प्रॉपर तरीके से आप लोगों को चीजें करवाई जाएंगी जिनके सब्जेक्ट मिनिमम चार हो चुके हैं वो यूए का लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं वाई यूजिंग कोड एम आर हंड्रेड जिनके चार हो सकते हैं वो हो जाए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप लोग देना स्टार्ट कर दो यहां से कोई डाउट आता है यहां पर आपने आप पोस्ट कर सकते हैं लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीचर्स मिलते हैं ठीक है कोई भी आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको सिक्स मंथ में ट्वेल्व नंबर ऑफ ड्यूरेशन मिलते हैं आ, सो देट आप लोग अपना डिस्कस कर पाओ दिस टेलीग्राम चैनल जो बच्चे इसको हो सकता है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो माय टेलीग्राम चैनल मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग इसको आप सर्च करेंगे कर कर इसके बाद स्पेशल इस क्लास फीचर यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स के पार्ट कवर करवा रखे हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करवा रखा है पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल मेथड पूरा करवा रखा है मैट्रिक्स एंड आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये चार टॉपिक मैंने कवर करवा रखे इसको सारा लोग देख लो ठीक है चलो फिर ये आप किसी भी टाइम पे बिल्कुल एक्सेबल हो होता है फ्री होता है सर लोगों के लिए ठीक है तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं जो लोग एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस वो लोग चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ सारे लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है ठीक है आप लोग सेशन को शेयर कर दिया करो और मैं सारे लोगों से उम्मीद करता हूं कि सारे लोग आज नाइट में आठ बजे मेरे को मिलेंगे ठीक है कितने बजे मिलेंगे एट पी पर एट पी पर यूट्यूब पर मिलेंगे ठीक है इसी चैनल पर चलो फिर थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ठीक है तो इसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कोई भी अब आपका डाउट नहीं रहेगा कल से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ठीक चलो फिर थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर